तो आजकल ऐसा होता है कि मेरा एडिट और अपलोड तो बहुत फास्ट हो जाता है, लेकिन अपलोड होने के बाद आई थिंक इट टेक्स आवर्स वो चेक फिनिश होने के लिए. व्हाट एवर इट इज, होने दो, अपना क्या, अपना तो वीडियो जा रहा है ना. वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली. ये देखो भाई कितने सारे बॉक्सेस पड़े, कम से कम चार बॉक्सेस हैं, चार पार्सल हैं, तो सब शाइनेस के हैं. बोलो अपना तो कोई पार्सल आता ही नहीं आजकल. एक शाइनेस को चाहिए बिकॉज एक थोड़ा शाइनेस का है. रैप करते हैं ना वो जो पूरा सामान, अपेरेंटली खत्म हो गया वो चीज़, तो और ऑर्डर किया. आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज आज स्काई के कान हम थोड़ा छेदवाएंगे, तो मुझे तो आता नहीं है, तो हम लोग किसी के पास जाएंगे. तो मैंने शाइनेस को लदे, अगर स्काई वहीं पर है ना तो आज वो जो कोई ढूंढ जहाँ पर वो जा सके. ऑफकोर्स मैं जा रहूँगा वहाँ पे, एंड देन उसका कान छिदवाएंगे हम लोग. मुझे बहुत अजीब लगेगा, आई होप वो रोए ना, बच्चे तो रोते हैं. दूसरा मुझे और ही डर लग रहा है, उसका मुंडन करेंगे हम लोग तो बच्चे बहुत रोते हैं. मतलब मेरी नीज जो मेरी बहन ने जब कराया था उसकी बेटी का, तो मैं तो था नहीं, दोस्तों वाला था, वो बहुत ज़्यादा रोई थी. अब कुछ लोग शुरू में कर देते हैं, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू इन 2-3 मंथ्स बिकॉज उनका जो स्कल है बहुत सॉफ्ट रहता है. आई थिंक 6-7 महीने के बाद करेंगे तो ठीक है. हम उसको फर्स्ट बर्थडे के बाद करेंगे क्योंकि फर्स्ट बर्थडे थोड़ा बाल वाल अच्छे रहने चाहिए ना, और अच्छी दिखनी चाहिए, मतलब रहता है गुड लुक्स वाला पार्ट. तो वो जब हो जाएगा तब करेंगे, तब तो और टेंशन की बात है बिकॉज उसको और रियलाइजेशन होगा, तो टकला करेंगे, उसको समझेगा वो थोड़ा है. बट कोई नहीं, आज उसका कान छिदवाएंगे, लेट्स सी कैसा होता है. और दूसरा, अपने गैस वाले का फोन आ गया, तो अपना वो घर का फाइनली गैस भी चालू हो जाएगी. पर निकलने के पहले आई एम गोना बी यूजिंग हेना पेस्ट ऑन माय हेयर. आज दो स्टेप फॉलो करूंगा, पहले इसको लगाऊंगा, एक घंटे के बाद नॉर्मल पानी से धो के आई एम गोना बी यूजिंग हेना ऑयल एंड उसके बाद मैं शैम्पू से धोऊंगा बाल. देखो मेरे, लेकिन जितने बड़े बाल मेरे लॉकडाउन में थे उतने बड़े बाल तो मैं नहीं कर सकता. लॉकडाउन में हो गए जोश जोश में. कमाल की बात यह है कि लॉकडाउन में इतना मैं ध्यान भी नहीं दे रहा था बालों का, बस नॉर्मल शैम्पू से धो रहा था. लेकिन बिकॉज हम लोग घर के अंदर रहते थे तो कुछ इन्हों से डैमेजिंग वाला सीन होता ही नहीं था. देखो आजकल के टाइम पे बाल ग्रे हो रहा ना कोई बड़ी बात नहीं, और बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं उसके लिए, स्ट्रेस, ईटिंग हैबिट, वेदर कंडीशन, मेरा और आपका सबका फेवरेट जेनेटिक्स. और हेना तो बहुत टाइम से एक प्रॉपर इंग्रेडिएंट है टू डाई योर हेयर. हमने अपने घर में बहुत लोगों को देखा होगा, स्पेशली मॉनवेट को देखा होगा यूज करते हो, लेकिन बहुत हैसल है उसको बनाने में, मिक्स करो कभी कभी सही कलर नहीं आता है. सो मामाअर्थ का नेचुरल हेना पेस्ट ये तो सब प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देता है. अभी देखो मैं कटोरी उटोरी में लेना नहीं, आपकी जैसी मर्जी आप डालो, कटोरी में डालो, हाथ में डालो. तो मेरे पास एक ग्लव्स है, एक कोविड में लिए थे तभी भी ग्लव्स है, तो मैं डायरेक्टली, लास्ट टाइम तो शाइनेस नहीं किया था ना बिकॉज अभी शाइनेस नहीं है, तो मैं खुद इसको है यूज करने वाला हूँ. 100% है ना डार्क रोस्ट कॉफी एंड कोकोनट ऑयल. तो इसको मेक श्योर करना आपके बाल जो है पूरे अच्छी तरीके से जो है वो सूखे हो, कोई प्रोडक्ट वोडक्ट ना हो बालों में. नेचुरली एंड फॉर्चुनेटली मेरे बाल इतने ग्रे नहीं है बिकॉज मैंने बहुत टाइम से ध्यान रखा है, बस यहाँ से थोड़े थोड़े से ग्रे हैं जो कि आई थिंक व्हेन आई वाज 18 वो तब से ही है बिकॉज ऑफ कॉलेज स्ट्रेस एज आई सेड, एंड वो टाइम ईटिंग हैबिट भी कुछ इतनी खास नहीं थी. देखो हेना पेस्ट नेचुरल है तो आपके बालों को ऑब्वियसली हार्श केमिकल से बचाएगा, और इसमें हर्ब्स होते हैं रीठा, शिकाखाई, मेथी और एक है हम नहीं याद आ रहा मुझे, जो कि आपके बालों को कंडीशन करता है. आई थिंक आई डिड अ वेरी गुड जॉब. यहाँ नहीं लगा था मैं, बस इतना ऊपर लगाता हूँ, शायद इतना अच्छा तो नहीं लगाया लेकिन किया मैं. अब इसको एक घंटा रखते हैं, उसके बाद धो डालेंगे. ओके एक घंटा हो गया, आई थिंक प्रॉपरली सेट हो गया है. अभी मैं इसको वॉश करूंगा, फॉर्मल वॉश हो गया, इसको अभी सुखा के. सो विद हेना हेयर ऑयल यू गेट टू सी शाइनी और लॉन्गर हेयर. अभी लगाया नहीं, लगाऊंगा. हेना पेस्ट का कलर भी अच्छा खासा बैठ जाएगा. ऑल्सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट यूजिंग हेना पेस्ट हेना ऑयल ऑन रेगुलर बेसिस बिकॉज इट इज सेफ सर्टिफाइड, मतलब नो टॉक्सिन, नो हार्मफुल केमिकल्स, नो डाई विच कैन डैमेज योर हेयर. एकदम अपरिचित, बाल काफी बढ़ गए हैं, ज्यादा तेल यूज हो रहा है. नहा के अच्छे से मिलता हूँ आपको. गाइस हमेशा की तरह दिल भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड इफ यू बाइंग एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ. कूपन कोड इज निखिल 22 टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ. कुछ एकदम सही टाइम पे हुआ, मुझे कॉल भी आ गया गैस वाले का, तो अभी निकलते वो घर में. अभी कमाल हो गया, मैं अपने दूसरे घर जा रहा था एंड मुझे गैस करो क्या दिख गया. मैं ऐसे अपनी बाइक को निहार रहा था एंड बाइक को ऐसा फ्लाइंग किस दे रहा था, मेरी नजर पड़ी यहाँ पे. क्या है, ये है मेरा टूल किट जो कि गुम गया था BMW का. अभी देखो हम लोग यहाँ पर बहुत बार आए हैं, पार्टी वार्टी किया है, इतना कुछ किया है, लेकिन एक चीज जो है नहीं की है जिसका मुझे थोड़ा रिग्रेट होता है, वो है गृह प्रवेश. वो वाले घर में कर ली थी हमने, ये वाले घर में नहीं किया बिकॉज जब वो घर लिया था, जब जो फ्रेश घर था, मैं इतना एक्साइटेड था आप लोगों को बताने के लिए, यू नो वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं जस्ट कनाडा से आया था, कि मैंने वो गृह प्रवेश का सीन जो मैंने मम्मी ने पूजा वूजा कर ली थी, लेकिन जो प्रॉपर हमने सबने पार्टी भी दी थी जो फैमिली मेम्बर्स आए थे, लेकिन वो एक अलग गृह प्रवेश होता है. शैनेस का है, उसका उठे बहुत छूट, दिमाग में आया ही नहीं उठे. अभी मैंने शैनेस को बोला, शैनेस जब सब सेटअप हो जाएगा ना, जब सब हमारा जब रहने वाला सीन हो जाएगा, अभी गैस हो जाएगी, सब हो जाएगी, और जब मैं और शैनेस यहाँ पर आएंगे 2-3 दिन रहने के लिए वीकेंड को प्रॉब्ली, तब एक छोटा सा एक गृह प्रवेश वाला सीन करते हैं, अच्छा लगता है ना, एक फीलिंग आती है वो जिंदगी भर के लिए, वो इसको निकाल के पास जिंदगी भर के लिए वो मेमोरी में आ जाता है. वही सब सेटअप हो रहा है, कोई रहता था इधर नहीं, नया घर है ना, मुझे तो पता है नहीं, प्लास्टिक निकालना है, ये निकाल रहा है.
एंड सब सेटअप हो गया था, उन्होंने बोला कुछ तो प्रेशर होता है वो आएगा तब चालू होगा। सही बोल रहे, अगर मैं जला था और आग जल जाती और ये प्लास्टिक चिपक जाती परमानेंटली चिपक जाती, खराब हो जाता। चलो भाई ये मस्त में हो गया। अभी एक और चीज़ सेटअप करानी हुआ, ये एक्वा गार्ड, ये तो मैंने दिखाई नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या तो मैंने देखा होगा मैं भूल गया होगा, एक्वा गार्ड नहीं होता उसको, वाटर प्योरीफायर जो भी बोलते हैं उसको, ये सेटअप हो जाएगा तो एक बार अच्छा हो जाएगा। एंड देन मी एंड शानिस वी कैन फाइनली कम टू एंड स्टे हियर विद स्काई, हमारा लिवेबल घर बन जाएगा। अभी भी आगे रह सकते हैं बट थोड़ा स्काई के साथ दूध गर्म करना, ये करना, पानी वानी सब जरूरत पड़ती है। शानिस का फोन आया, बोलती जल्दी जल्दी आ जा ताकि वो स्काई का अपन छेद कराने निकल जाए। अभी वापस ये मेरा बैग निकल गया है, जो लोग 2 साल पहले देख रहे हैं उनको मालूम होगा ये बैग हमेशा मेरे पास रहता था, ये कैमरा इसके अंदर डाल के बेसिकली जाता था मैं। जब गाड़ी नहीं रहती है तो फिर कहाँ डालेंगे इसके अंदर, डिग्गी में तो वो एक्सेस की डिग्गी में टूट सकता है लेंस का स्टेबलाइजेशन। सो टू माई अल्टीमेट पोपट आई जस्ट रियलाइज, एक्चुअली शानिस ने मुझे बोला ये जो टी शर्ट है ये एक्चुअली शानिस की है जो कैनेडा में पहनती थी, ओवरसाइज टी शर्ट। मैं बोला ये मुझे, मतलब मुझे लूज आ रही, मतलब मेरी ही रहेगी, तूने ली रहेगी कभी, बहुत लूज है, मेरे को तो ड्रेस जैसी आ गई है। टुडे यू कैन, फ्रॉम टुमारो यू कैन वेयर नाइस नाइस इयररिंग्स एंड डैड हैज वॉइस इज लाइक बैटमैन, एवरीबॉडी इज सेइंग बैटमैन, फादर इज बैटमैन। हां वाह, बैटमैन जब ऐसा बात करता है पूछती हूं सबको, यस यू रिमेंबर दिस, are you missing this, it's a very special occasion for us, so Shanis has a tradition mein tradition pehen liya hai, aur ye hamara naya, and guess what, this is new launch from Shanis and Nix, yes, a neelam kurta for men, yes, agar zara zara upar se niche dikha, it is just kurta, short kurta, matlab itna short, you can wear it on jeans or pajama or whatever you want, bahut acha acha, koi video dekha to koi bolta hai ek din hot hota hai, do din hot hota hai, ye kitna has rahi hai bechari, bhi dar lag raha hai dekh ke, ha beta camera de raha hi hai, दर्द नहीं हो रहा था, नहीं होगा, चल निकल, अरे टेंशन है इसको, दर्द कितना होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, मतलब कोई बोलता है नहीं होता है। हाउ आर यू फीलिंग शानिस? वेरी नर्वस। अरे बट मलाड़ की स्पेशल ट्रैफिक जो है, तो पहले शानिस उस साइड रहती थी बहुत पहले, मतलब पता है व्लॉग में बताया नहीं था, तो जब वो इधर आ गया तो मेरे लिए इजी पड़ गया क्योंकि मुझे उसको मिलने के लिए सिग्नल क्रॉस करना पड़ता था, और ये जो क्या नाम है सिग्नल का, मिड चौकी सिग्नल, किसी भी मलाड़ गोरेगांव वाले से पूछ लो वो सर पीट लेगा अपना, मतलब ये प्रो मैक्स है, जेवेलर अगर डायनासोर है तो ये गॉडजिला। कोई जगह देखी थी किसी चैनल, देखी देखी सी जगह है, हमने अपनी शादी के रिंग यहाँ से बनाई थी, चोच वेडिंग के लिए, कुछ नहीं दर्द होगा, थोड़ा तो पेन होगा, 1-2 दिन नहीं चलेगा ना, तो स्काई को कुछ समझ नहीं रहा, अभी हंस रही है बट थोड़ा कंफ्यूज हो रही है वो, निकाल रहे और ये अभी भी खेल रही, हंस रही है, अच्छा पूरा ये देखो ये ऐसे होएगा, शानिस नर्वस, अपनी बच्ची को दर्द, ये सब अभी निकला है ना, पहले ही सब नहीं था ना, पहले तार गुस्से थे, तार हम लोग साथ ऐसे हुआ है, ये तो याद है, कुछ याद नहीं रहेगा, टेंशन, कुछ अंदर मजे आते हैं सब इयररिंग पहनने के लिए, वरना अभी ना स्काई का नहीं करेंगे तो बड़े बोलेंगे क्या यार अभी फैशन के लिए इयररिंग नहीं पहन सकती, मैंने सोचा कि नहीं तोड़ते पर फिर शी विल थिंक आई वांट टू वेयर इयररिंग्स, तो समझ रहे हो क्या हो रहा है, सर आपसे नहीं होएगा वो, या तो उनको दे दीजिए या फिर उनको ऐसा पकड़ना पड़ेगा, मैं बताता हूँ, बेटा ये आपको नीचे बिठा दीजिए, दो अभी वो ईयर रिंग देना, वो ईयर दोनों करना तो ही है, उसको अब आवाज दोगे ना, ये लो बेटा गन, इसको हाथ में दे दो, 1 सेकंड का काम है, सर खाली आ,
तो क्या होता है, स्किन के अंदर जाता है तो होता ही है, कोई ना कोई चीज। टाइम लगेगा खाली, पर जैसे आपने पहले पकड़ा ना वैसे पकड़ ली। ये ले किटू नहीं मम्मी जी बोल अच्छा इन कॉलर वेट 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 नहीं 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 क्या हुआ मालूम भी नहीं। किटू सी अ किटू हाथ थोड़ा सा आप नीचे लो नहीं मारे बाबू वो एक सेकंड होएगी बस फिनिश बाबू वाले बात को ओके बाय बाय फिनिश किटू एक मिनट के अंदर अंदर क्वाइट हो गई है। सो स्ट्रॉन्ग किट्टू। सो अगर बड़े बच्चे होते हैं तो ये यूज होता है, ये शाइनेस के लिए यूज होता है, नाक वाक में करने। ये एक और गन है, गन की बात चल रही है दुकान में आगे। रशीद भाई क्या बोला, कैमरा इक्विपमेंट्स ज्वेलरी शॉप में आगे, नाक छेदने के लिए कान छेदने के लिए क्या करना। किट्टू ऐसे एक्चुअली भी कुछ हुआ ही नहीं, और इसको देखो तो क्या खिल गई एकदम फुल गर्ल। अभी कोई नहीं पूछेगा सर गर्ल और बॉय, देखो फिर भी पूछते हैं। हाँ बिकॉज बहुत सारे लड़के लोग भी डालते हैं इयररिंग्स। इसको फ्रॉक पहनाते तब भी बोलते हैं गर्ल बॉय, फ्रॉक पहना है क्या गर्ल बॉय कर रहे हैं। सुना तुम लोग इतने डर रहे थे, वो खाली लगाने का टाइम पे दर्द होता है, बाकी कुछ क्या हंस रही है। वो अंकल को क्या देख रही है कुन्ना से, तुम्हारे दुकान पे तो फिर से कभी नहीं आऊंगी। टाटा से अंकल, टाटा से अंकल, टाटा बोल रही है तुम्हारे दुकान पे क्या। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चलो थैंक यू। आई पेन के मामले में ना शानिस पे गई है, शानिस का पेन बेयरिंग कैपेसिटी बहुत हाई, बहुत हाई है। मतलब का भी वैसा ही है, आई थिंक मुझसे ज्यादा होने वाला इसका, क्योंकि देख लोग जाने नहीं देते यार। क्या हो गया स्किट्टू, तो जब से वापस आया इसका ही तो आउट है, सो रही है as you can see। बेसिकली जब भी कभी यू नो मुझे शोल्डर का भी मैंने सुई मारी थी, दर्द होता है, कुछ भी पेन होता है तो बॉडी आपको थका देती है, ताकि आप जब सोते हो तो ये सब हील होता है ना। सो प्रॉब्ली इसके लिए इसका यूजली इतना नहीं सोती है, मतलब इट्स बीन लाइक शी इज आउट, ऐसा मुँह खोल के सोई थी। अभी जब मैं बात किया तो उसने वो बंद किया। अभी मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। एकदम दो घंटे का नैप लेने के बाद एकदम फुल ऑन जोश के साथ फ्रेश उठी है ये है। तो बहुत लोग स्काई को मिस कर रहे थे, कहा है स्काई व्लॉग में नहीं आ रही, तो अभी भरपूर देख लो, आज तो आपने भरपूर देखा होगा स्काई को। कैमरा ये लो, लात नहीं मारने का बेटा, ले मंदिर है। बैक होम इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। पहले हम एक्चुअली स्काई जब 3 महीने के लिए तभी कराने वाले थे, लेकिन अभी मम्मी ने बोला कि देख शानिस वहाँ पर है तो इस बेटे तुम लोग करा लो, अच्छा रहेगा बिकॉज थोड़े ज़्यादा लोग रहेंगे तो स्काई को भी अच्छा लगेगा, तो हो गया। एंड गाइस ये व्लॉग यहाँ समाप्त करते हैं, व्लॉग अच्छा लगा डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर आप अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट कर लिया है तो आपको पता है कि अगला व्लॉग किस चीज़ के ऊपर रहेगा, तो उसकी चीज़ के ऊपर भी काम चल रहा है। With that, as always, shukran alvida ma salama, take care and do whatever my lovely friends. Adios amigos, shabakhe, take care, bye bye, milte hain agle vlog mein.